ये डिज़ाइन भी जो है मैं अपने दिमाग से बनाया हुआ हूँ, और कस्टमर के शर्ट को भी डाल के देखा, आप लगा भी देख सकते हैं कस्टमर का शर्ट है वो। और ये सीरों से भी जो है वॉच कॉलर है जो वो शर्ट को है, और बहुत बेहतरीन पैटर्न है गाइस, आप लगा भी इसको बना के देखो। ये पट्टी जो है मोड़ लिया मैं, एक तकरीबन आधे इंच की जो है पट्टी है ये। ये पट्टी का माया मैं काट लिया अभी, और पट्टी का माया काटने के बाद जो है अब मैं सिलाई मारूँगा, ठीक है। अब जो है सिलाई मारूँगा मैं इसको रख के। वो कपड़ा जो है एक ले लिया मैं प्रिंटेड, इसके ऊपर जमे जैसा, ठीक है। अब जो है सिलाई मारेंगे, एकदम किनारी सिलाई मारो गाइस, बारीक स्टिचिंग और किनारी सिलाई मारो, फिनिशिंग आप लोगों की अच्छी आएंगी, आप लोगों के लिए जो है अच्छा रहेगा वैसा मारेंगे तो। तो इस तरीके से जो है सिलाई मारेंगे, पूरी सिलाई मार देता हूँ इसी में। और ये भी सिलाई जो है मारूँगा, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ भी मुश्किल पैटर्न नहीं है ये। पहले जो है पट्टियाँ मार लेके जो है कॉलर चिपका के बना देना है, बहुत इजी है। अब ये मार दिए, पट्टी मार देने के बाद जो है ये दो पट्टियाँ जो है मैं मोड़ा कॉलर के लिए, ठीक है। ये एक पट्टी पहले बिठा लेता हूँ, बारीक पाइपिंग आने देना है गाइस, बीच में जो गैप छोट रही एकदम बारीक रहने देना है, उससे क्या होगा वो ज़बरदस्त दिखेगा लुक। इस तरीके से जो है मानना है, इस तरीके से आप लोग यहाँ देख सकते कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा। और इसको भी जो है ऐसे ही मारेंगे, सेम बारीक पाइपिंग आने देना है, और बहुत इजी है, आप लोग भी देख सक रहे होंगे कितना इजी है, खाली पट्टियां मोड़ के जो है लगा देना है। लगा दिए, अब मार्जिंग्स जो है ना वो काट लेंगे। दोनों तरफ से जो है मार्जिंग्स काट लिया मैं, अब जो है कॉलर लूँगा। ये कॉलर जो है मैं काटा, ये जो है 14.5 का जो है कॉलर है, और इस पर जो है सेंटर लगाएंगे अपन, जहाँ पे माया जाता ना कॉलर का, उसको थोड़ा ऊपर से नीचे ले लेंगे और बाकी का सेंटर लगाएंगे। इस तरीके से अब जो है ये बोन्स है, अब इन लोगों को जो है चिपका लिया। चिपका लेने के बाद जो है बाजू से एकदम कपड़ा काट लेना है, पूरा कपड़ा काट लो बाजू से। एकदम बाजू से जो है काटना है कपड़ा, उसके बाद इस तरीके से जो है लेके जो है पीस लगेंगे अपन। अब ये जो पाइपिंग की स्टिचिंग मैं मानने वाला हूँ, एकदम एक सूत से भी जो है कम माननी है आपको सिलाई, और पलटने के बाद जो है उन्हें पढ़ के आ जाएंगी, ठीक है। देखो आप लोगों को दिख रहा हूँ कितनी सिलाई मैं मार रहा हूँ, वो हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा के जो है सिलाई मारो। और जो कपड़ा रहेगा पाइपिंग का, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा में रखो आगे, क्यों बोले तो फिकस जाता ना, फिकसता नहीं बाद में, ईजी रहता आप लोगों के लिए। ऐसे जो है पाइपिंग मान लो, और तो भी पाइपिंग मान लो वैसे। ये पाइपिंग भी मान लेंगे ऐसे, एकदम बारीक पाइपिंग मान लेंगे ये भी, ठीक है। और ये मार्जिन जो है काट देंगे, इसमें से कपड़ा निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो है सिलाई मारेंगे,
इस तरीके से। अब जो है दूसरा कपड़ा लेंगे, लेके जो है इसको लगाएंगे, लगा के जो है सिलाई मारेंगे। और बहुत आसान है गाइस, आप लोग सुकून से बना सकते हैं ऐसे कॉलर्स। अगर से आप नए नए हैं टेलरिंग में तो भी जो है वीडियो को बार बार देखते हुए आप लोग जो है बना सकते, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अगर से आप लोग टेलर ही चाहे तो आप लोग तो खाली फ़ोटो देख के ही जो है बना ले सकते, ठीक है। आप लोगों के पास अगर से आइडिया हो इसका, तो आइडिया नहीं है तो वीडियो एक बार देखना पड़ेगा बहुत से बहुत। लेकिन बहुत ज़बरदस्त पैटर्न है गाइस, कस्टमर्स को जो है बारीक पाइपिंग जो रहती ना बहुत पसंद आती। और पाइपिंग मैं देखा, पाइपिंग जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता टर्म। और इधर से भी जो है माया कमरा के काट लेंगे, माया कम रखा करो नोक में, अच्छा रहेगा। और इस तरीके से जो है खींचते ही जो है नोक निकल जाएंगी, वरना बहुत परेशानी होगी। देखो आसानी से निकल जाती नोक अगर से माया कम रखे तो। अब ये सिलाई मारेंगे एकदम पाइपिंग के बाजू से आना, ये सिलाई दिखना ही नहीं, वैसी सिलाई आना है। इस तरीके से जो है मारते जाएंगे, पूरी तीन तरफ की सिलाई जो है मार देंगे। इस तरीके से आप लगा देखो कितनी ज़बरदस्त नोक निकल के ये, और ये फाइनल लुक है कॉलर का। और आप लगा देखो कितनी फिनिशिंग में जो है कॉलर बनाया मैं, और ये है इसका पूरा फाइनल लुक।